नाम है गुलजार अहमद लोन, मैं यहाँ कुपवारा औरा का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी दो इलेक्शन भी लड़े हैं, इससे पहले इलेक्शन भी लड़े हैं और यहाँ का इंचार्ज रहा हूँ मैं, कुपवारा इंचार्ज रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का। मुझे 10-15 से 20 साल से मुझे PSO साथ साथ रह चुका है। आज अचानक दो दिन पहले मेरे जो है PSO जो है वो उठाए गए हैं। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली खतरे में हूँ, क्योंकि मैंने देश के लिए हमेशा काम किया है। 98 से ही मैंने देश के लिए काम किया है, हर एक पीसफुल काम किया है। जब भी हालात ख़राब हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है, कोई भी काम हुआ है, मैंने उसमें पहल किया है, अपने देश के लिए काम किया है मैंने। आज मैं खुद खतरे में हूँ, मेरे बच्चे खतरे में हैं, मैं घर में नहीं रह पाता हूँ, बच्चों के साथ नहीं रह पाता हूँ। इसके लिए मैं गवर्नर साहब से इसलिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी PSO मुझे वापस दिया जाए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी ये फ़ख्र से कहें कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि मुझे भी एक अपनी जगह पर फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया है कि मैं न पीछे जा सकता हूँ न आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी खतरे में पड़े हैं। जिन बच्चों के लिए माँ बाप हर एक तमन्ना रखता है, वो बच्चे मेरे खतरे में हैं, मैं खुद खतरे में हूँ। इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरी PSO मुझे वापस दिया जाए, ताकि मैं अपने घर में अपने बच्चों की